अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर राबिया। आज हम लोग सिलेबस से नया पोर्शन स्टार्ट करेंगे अबाउट द माइनस विटामिंस, कि हमने विटामिंस क्या होते हैं और इसको किस तरह से क्लासेस में डिवाइड किया हुआ, उसकी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे और किस विटामिन की डेफिशिएंसी से कौन कौन से डिजीज़ हो सकती हैं वो सब पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं विटामिन से कि वो विटामिन बेसिकली हैं क्या और ये कितनी क्वांटिटी में पड़े हुए होते हैं, बॉडी इनको सिंथेसाइज कर सकती है या नहीं कर सकती, कुछ इसके जनरल फीचर्स वगैरह पढ़ लेंगे। डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो ये क्या होते हैं, दीज आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कि डाइट का कंपोनेंट होते हैं, ठीक है, स्मॉल अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं एंड दे परफॉर्म द स्पेसिफिक बायोलॉजिकल फंक्शंस फॉर द नॉर्मल मेंटेनेंस ऑफ ऑप्टिमम ग्रोथ एंड द हेल्थ ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ये प्रॉपर ग्रोथ के लिए और जो एक हेल्थ है, एक हेल्दी इंडिविजुअल के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। हमने पढ़ा कि हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, डाइट का जो है वो डाइट के थ्रू उनकी रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी की जा सकती है, स्मॉल अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं बट दे परफॉर्म द स्पेसिफिक बायोलॉजिकल फंक्शंस। तो हमने भी देखा कि हम क्या कर सकते हैं, सिंथेसाइज नहीं कर सकते तो हम क्या करते हैं, सप्लाई इनकी किसके थ्रू होती है, डाइट के थ्रू, यानी डाइट इनटेक या डाइटरी विटामिंस जो हैं वो बॉडी अपनी डाइट से विटामिंस को जो है वो एक्सट्रैक्ट करके अपनी जो भी उसके फंक्शंस हैं उसको यूटिलाइज करती है। द नेक्स्ट चीज़ के हमारे पास जो बैक्टीरिया इकोलाई है, दैट डज नॉट रिक्वायर एनी विटामिन, जिसको किसी भी विटामिन की जो है वो ज़रूरत नहीं है। विटामिन की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि वो सारे के सारे जो विटामिन हैं जो उसकी बॉडी को रिक्वायर्ड हैं वो खुद बना सकती है उसकी बॉडी। ये कंसिडर किया जाता है या ये बिलीव किया जाता है कि जैसे जैसे एडवांसमेंट आती रही, जैसे जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो थे वो हायर लेवल में जाते रहे, दे लूज देयर कैपेसिटी टू सिंथेसाइज द विटामिंस, यानी जितना वो हायर जा रहा था उतनी उसकी कैपेसिटी जो थी टू सिंथेसाइज द विटामिंस वो कम हो गई। अच्छा जी, अब क्योंकि स्मॉल अमाउंट्स में रिक्वायर्ड हैं तो उनकी डिग्रेडेशन जो है वो रिलेटिवली स्मॉल होगी, ठीक है। ऑर्गेनिक फूड स्टफ से वो इस तरह से, ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स से वो इस तरह से डिफर करेंगे कि वो प्रोटीन की तरह टिश्यू के अंदर जो होंगे, टिश्यू स्ट्रक्चर के अंदर एंटर नहीं होंगे, दे डोंट अंडरगो द डिग्रेडेशन फॉर प्रोवाइडिंग द एनर्जी लाइक कार्बोहाइड्रेट्स एंड द लिपिड्स, यानी उनकी डिग्रेडेशन जो है वो एनर्जी को प्रोवाइड करने के लिए नहीं की जाएगी, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स जो हैं वो जैसे ही एनर्जी लेवल कम होता है तो बॉडी जो है उनको डिग्रेड करके उनसे एनर्जी जो है वो एक्सट्रैक्ट कर लेती है। तो इस तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड, हमने कहा कि दीज आर ऑल्सो द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो ये बाकी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनसे इस तरह से डिफर कर रहे हैं। प्रोटीन की तरह प्रोटीन भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है लेकिन विटामिंस जो हैं वो प्रोटीन की तरह बॉडी के स्ट्रक्चर के अंदर नहीं जाएंगे। इसी तरह से कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड्स भी जो हैं वो क्या हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं और वो डिग्रेड होते हैं ताकि वो एनर्जी जो है वो सप्लाई कर सकें। अच्छा जी, द नेक्स्ट चीज़ के हमारे पास बी कॉम्प्लेक्स विटामिंस जो हैं वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एज इन कोएंजाइम इन मैनी ऑफ द बॉडी रिएक्शंस। ये हम अभी कोएंजाइम पिछले लेक्चर में पढ़ कर आए हैं कि जो हमारे पास मेजोरिटी ऑफ द बॉडी के अंदर जो कोएंजाइम्स के तौर पर काम करते हैं वो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स से जो हैं वो डिराइव्ड हुए होते हैं, लेकिन हमने ये भी देखा था कि हमारे पास सारे के सारे विटामिन बी के नहीं हैं, कुछ नॉन विटामिन भी होते हैं। हार्मोन से वो किस तरह से डिफर करते हैं कि वो नॉट बींग प्रोड्यूस्ड विद इन द ऑर्गेनिज्म। हार्मोन जो है वो बॉडी खुद प्रोड्यूस करती है लेकिन जो विटामिन हैं वो बॉडी प्रोड्यूस नहीं करेगी और उनको कहाँ से फिर जो है वो किया जाएगा, डाइट से जो है वो लिया जाएगा। क्लासिफिकेशन की बात करें तो हम
दो क्लासेस में डिवाइड करते हैं या दो जो है वो उसकी डोमेन्स रख देते हैं, एक हमारे पास फैट सोलेबल वाइटामिन्स होंगे और एक हमारे पास वाटर सोलेबल वाइटामिन्स होंगे। अब वाटर सोलेबल हैं तो ऑब्वियसली वाटर में जो है वो डिजोल्व हो जाएंगे और जो है वो बॉडी से जल्दी से एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे यूरिन के साथ। जब एक्सक्रीट हो रहे हैं बॉडी के अंदर स्टोर नहीं हो रहे तो फिर क्या होंगे, उनकी टॉक्सिसिटी रेयर होगी यानी उनकी एक्यूमुलेशन नहीं होगी। अब एक्यूमुलेशन नहीं होगी तो क्या होगा कि दूसरे हाथ पे या एक दूसरे सिनेरियो में डेफिशिएंसी के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा होंगे, क्योंकि बॉडी जो है वो अनएबल है टू स्टोर देम और वो बॉडी के वाटर के साथ जो हैं वो क्या होंगे, बॉडी से निकल जाते हैं। इसमें हमारे पास 9 डिफरेंट वाइटामिन आते हैं, ये भी हम पढ़ लेंगे थोड़ी देर में। द नेक्स्ट इज़ द फैट सोलेबल, इसके अंदर 4 वाइटामिन आते हैं ए डी के एंड ई। ये फैट सोलेबल हैं तो इट मीन्स इनको अपनी ट्रांसपोर्टेशन के लिए रिलीज के लिए डाइटरी फैट रिक्वायर्ड होगी, ठीक है, यानी ये फैट के साथ जुड़े हुए होंगे। वाटर सोलेबल वाइटामिन्स की तरह जल्दी से एक्सक्रीट आउट नहीं होंगे, बॉडी के अंदर स्टोर होंगे। अब जब बॉडी के अंदर स्टोर होंगे तो उनकी डेफिशिएंसी के चांसेस कम होंगे लेकिन उनकी टॉक्सिसिटी के चांसेस ज़्यादा होंगे, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा स्टोर हो जाएंगे तो टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये कुछ फीचर्स थे। अब हमने पढ़े कि हमने क्या पढ़े, वाटर सोलेबल वाइटामिन्स एंड द फैट सोलेबल वाइटामिन्स। इसके अंदर तो हमने 4 पढ़े ना कि वाइटामिन ए होता है, डी होता है, के एंड ई होता है। जो वाटर सोलेबल हैं इसके अंदर हम पढ़ेंगे बी कॉम्प्लेक्स एंड नॉन बी कॉम्प्लेक्स। नॉन बी कॉम्प्लेक्स के अंदर विटामिन सी आ जाता है, जबकि जो बी कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर एनर्जी रिलीजिंग, हीमोपोइटिक और दूसरे आ जाते हैं एंड अदर्स। कौन कौन से, उनके अंदर हमारे पास विटामिन सी, पाइरीडॉक्सल वगैरह आ जाते हैं, हेमेटोपोइटिक के साथ जो ब्लड के साथ एसोसिएटेड होगा, विटामिन बी का जो विटामिन होगा, बी कॉम्प्लेक्स का जो विटामिन होगा ये क्या होंगे, फॉलिक एसिड एंड द विटामिन 12। एनर्जी रिलीजिंग जो है वो क्या, यानी आपके किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शन में को फैक्टर के तौर पर काम कर सकेंगे, B1, B2, B3, बायोटिन एंड पेंथोथेनिक एसिड। अभी हमारे पास कुछ विटामिन हैं, ये विटामिन ए है, अभी हम पढ़ कर आए कि ये फैट सोलेबल होगा, ठीक है, अभी हम इसको डिटेल से भी पढ़ लेंगे। इसके फंक्शंस क्या हैं कि ये विजुअल पिगमेंट्स इन द रेटिना का काम करता है, जो विजुअल एक फीचर है विटामिन ए उसमें जो है वो अपना मेजर रोल प्ले करता है। इसके साथ साथ सेल एक्सप्रेशन और सेल डिफरेंशिएशन में काम करता है और बीटा कैरोटीन जो है वो एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर काम करता है। ये भी हम डिटेल से पढ़ेंगे, ये सिर्फ आपको डेफिशेंसीज के लिए जो है वो टेबल ऐड किया कि आपने क्या याद रखना है कि इससे कौन कौन सी डिजीज़ आएंगी, ये भी डिजीज़ हम डिटेल से पढ़ भी लेंगे। नाइट ब्लाइंडनेस, ज़ेरोफ्थैलेमिया, कैरेटिनाइजेशन ऑफ स्किन, दीज आर सम ऑफ द डिजीज़ जो कि डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए की वजह से होती हैं। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है डेफिशिएंसीज वाला। विटामिन ए पढ़ लेते हैं, हमने भी पढ़ा कि फैट सोलेबल है, नेचर में दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, नेचर में या विटामिन A1 की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा या A2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। A1 जो होगा वो मोस्ट प्रोमिनेंट फॉर्म है, हमें नेचर के अंदर जो विटामिन मिलता है वो A1 की फॉर्म में मिलता है। लेकिन अगर हम बात करें फ्रेश वाटर फिश की, तो जो फ्रेश वाटर के अंदर जो फिश पड़ी हुई होती है उसके अंदर जो विटामिन की फॉर्म होगी वो विटामिन A2 होगा। माइनर सा डिफरेंस है, आपने सिर्फ इतनी बात याद रखनी है कि A1 की फॉर्म वाला जो है वो मोस्ट प्रोमिनेंट होता है। इफ़ वी टॉक अबाउट द एनिमल सोर्स, कि एनिमल कौन से एनिमल से हमें विटामिन मिल सकता है या एनिमल की किस चीज़ से हमें विटामिन मिल सकता है, तो बटर, मिल्क, चीज़, एग योक एंड द लीवर ऑयल, ठीक है, जो शार्क वगैरह है उसके लीवर के ऑयल से हमारे पास विटामिन ए जो है वो हमें मिल सकता है। प्लांट सोर्स की अगर हम बात करें तो प्लांट के अंदर ये प्रो विटामिन की फॉर्म में यानी कैरोटीन की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, प्रॉपर विटामिन की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। अभी हम इसकी डिफरेंट एग्जिस्टेंस की फॉर्म पढ़ेंगे। कौन कौन से सोर्सेज हैं, टोमेटोज, कैरेट्स, ग्रीन येलो वेजिटेबल्स वगैरह होंगे। फ्रूट्स के अंदर अगर हम देखें तो मैंगोज, पपायाज वगैरह होंगे। हमारे पास एक अल्जी की स्पीशी है स्पायरुलिना, ठीक है, उसके अंदर हमारे पास
विटामिन ए जो है वो एक गुड सोर्स ऑफ विटामिन है, विटामिन ए है दिस स्पीशी ऑफ अल्गी। अब हमने पढ़ा कि हम इसको खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकते, डाइट का पार्ट होगी। डाइट में फॉर एग्जांपल अभी हमने मिल्क ये चीज़ कहा, तो हमने जब इसको खाया तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो क्या करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये किस फॉर्म में होगा, एसोसिएटेड फॉर्म में होगा, यानी फैट के साथ जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, तो एक एंजाइम के थ्रू फैट को और फ्री विटामिन को जो है वो डिग्रेड कर दिया जाएगा, इस तरह से हमें फ्री विटामिन मिल जाएगा और फिर हम इसको एब्जॉर्ब करके लीवर के अंदर एक स्टेरिफाइड फॉर्म के अंदर स्टोर करेंगे, और ये स्टेरिफाइड फॉर्म जो है वो फ्री विटामिन की फॉर्म में या फ्री विटामिन को जो है वो रिलीज़ करेगी एट द टाइम ऑफ नीड ऑफ द बॉडी। तो फिर हमने पढ़ा कि हमारे पास विटामिन ए यानी जो हमारा क्या कहते हैं जो एनिमल सोर्स से लिया हुआ विटामिन ए, या प्लांट सोर्स से अगर हमने कैरोटीन की फॉर्म में विटामिन लिया, उसको एब्जॉर्ब किया जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर विटामिन ई एंड मैनी ऑफ द अदर एंटी ऑक्सीडेंट्स जो हैं वो क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं विटामिन ए को ऑक्सीडेशन से और उसकी डिस्ट्रक्शन इन द इंटेस्टाइनल ल्यूमन, यानी ताकि वो एब्जॉर्ब हो सके और पार्ट ऑफ द बॉडी बन सके। अब वो कहते हैं कि जो डाइटरी विटामिन ए है वो ईस्टर फॉर्म में होता है, ठीक है, यानी फैट के साथ जुड़ा हुआ होता है जिसकी हाइड्रोलाइसिस होती है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम द कोलेस्ट्रॉल ईस्टरेज। मैंने अभी बोला कि हमारे पास किस फॉर्म में होता है, स्टेरिफाइड फॉर्म के अंदर होता है, उसको एक एंजाइम के थ्रू फ्री फैटी एसिड्स और फ्री अमाइनो एसिड की फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब ये जो फ्री विटामिन ए है उसको हम रेटिनोल भी बोलते हैं, जो नाम है इसका दूसरा, वो रेटिनोल जो है वो एब्जॉर्ब किया जाता है ब्लड के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसकी डाइट से हमने उसको अलग कर लिया, अब उसको एब्जॉर्ब करेंगे ब्लड के अंदर, एब्जॉर्प्शन के बाद वो लीवर के पास जाएगा और लीवर में उसकी दोबारा स्टेरिफिकेशन होगी, ठीक है, और उस फॉर्म में स्टेरिफाइड फॉर्म के अंदर वो स्टोर किया जाएगा। अच्छा जी, द नेक्स्ट इज कि हमारे पास स्टोर किया जाएगा लीवर में एज एन रेटिनाइल ईस्टर, नॉर्मली किस फॉर्म में, रेटिनाइल पैल्मिटेट। ये विटामिन जो है वो थ्री फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, रेटिनोल, रेटिनाल एंड रेटिनोइक एसिड, यानी सिर्फ उसके फंक्शनल ग्रुप का डिफरेंस आएगा, तीनों में जो कॉमन चीज़ें हैं वो ये तीनों होंगी, इसके अलावा हमारे पास ओल के अंदर ओएच ग्रुप आ जाएगा फंक्शनल ग्रुप जो होगा, रेटिनॉल के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप आ जाएगा यानी सी डबल बॉन्ड ओ और एच आ जाएगा, और एसिड के अंदर एसिडिक फॉर्म आ जाएगी उसकी। जो कॉमन स्ट्रक्चरल यूनिट है वो इस तरह से कि हमारे पास ट्राई मिथाइल साइक्लोहेक्सिनाइल रिंग होती है। इफ़ यू सी दिस स्ट्रक्चर, ये हमारे पास इसका स्ट्रक्चर है विटामिन ए का, कॉमन स्ट्रक्चर है जो तीनों डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ जो उसकी मॉलिक्यूल की एग्जिस्ट करती हैं उसका है, यानी ओल की फॉर्म वाला रेटिनोल, रेटिनाल या एल्डिहाइड की फॉर्म वाला, और रेटिनोइक एसिड या एसिड की फॉर्म वाला। ठीक है, डिफरेंस सिर्फ इधर आना है कि इधर क्या लगा हुआ होना है, बाकी सारा स्ट्रक्चर जो है वो कॉमन है। अभी हमने पढ़ा कि हमारे पास क्या है, ट्राई मिथाइल, एक मिथाइल ग्रुप, दूसरा मिथाइल ग्रुप, तीसरा मिथाइल ग्रुप, ये तीन मिथाइल ग्रुप जो हैं वो लगे हुए हैं साइक्लोहेक्सीन रिंग के साथ। ठीक है, ये एक सिक्स कार्बन कंपाउंड है जिसके साथ तीन कार्बन जो हैं वो लगे हुए हैं, इसकी इस रिंग के साथ हमारे पास एक चेन लगी हुई होती है, दैट इज़ आइसोप्रिनोइड। ठीक है, रिंग का नाम बीटा आयोनेन है, जो कि क्या है, ट्राई मिथाइल साइक्लोहेक्सिनाइल रिंग है, उसके साथ हमारे पास एक चेन लगी हुई होती है, दैट इज़ आइसोप्रिनोइड चेन। इस आइसोप्रिनोइड चेन के अंदर फोर डबल बॉन्ड्स होते हैं, 1, 2, 3, 4। ये था हमारा कॉमन स्ट्रक्चर। इसके बाद हमारे पास जो डिफरेंस आएगा वो इधर ओएच ग्रुप लगा हुआ होगा, तो फिर हमारे पास रेटिनॉल हो जाएगा,
एल्डिहाइड ग्रुप लगा होगा तो रेटिनॉल हो जाएगा, और एसिडिक ग्रुप लगा होगा तो रेटिनोइक एसिड बन जाएगा। दे आर क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस विद लिमिटेड स्टेबिलिटी, तीनों जो होंगे वो उसका यही फीचर्स है। अब ये तो लिया हमने एनिमल सोर्स से कि हमने एनिमल सोर्स में वो हमारे पास एस्टेरिफाइड फॉर्म में था, उसको हमने फैटी एसिड से अलहदा कर दिया। अब अगर तो हमने प्लांट सोर्स से लिया, कोई सा भी ऐसा प्लांट जहाँ से विटामिन हमने लेना है, विटामिन ए किस फॉर्म में था प्लांट में, कैरोटीन्स की फॉर्म में, तो उसको कैरोटीन से रेटिनोल में कन्वर्ट किया जाएगा इन द इंटेस्टाइनल एपिथीलियल सेल्स, ठीक है। लेकिन ह्यूमन के केस में हमारे पास लीवर वो ओनली ऑर्गन है जहाँ पे कैरोटीन जो है वो कन्वर्ट किया जाता है इनटू विटामिन ए। कैरोटीन की फॉर्म में उसकी एब्जॉर्प्शन होगी ल्यूमन से, ठीक है, और वहाँ से उसको जो है वो ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा लीवर में, जहाँ पे उसकी कन्वर्जन हो जाएगी इनटू द विटामिन ए। ये प्री विटामिन फॉर्म है कैरोटीन। अच्छा, रेटिनोल इज ट्रांसपोर्टेड इन द ब्लड इन एसोसिएशन विद अ स्पेसिफिक प्रोटीन नोन एज आरबीपी, रेटिनोल बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक है। अब लीवर के अंदर तो वो स्टोर था स्टेरिफाइड रिनाइल अपनी फॉर्म में, ईस्टर की फॉर्म में। अब ज़रूरत के टाइम उस ईस्टर बॉन्ड ने ब्रेक कर जाना है और हमारे पास किस फॉर्म में आ जाना है, रेटिनोल की फॉर्म में आ जाना है। ये रेटिनोल जो होगा एक स्पेसिफिक प्रोटीन रेटिनोल बाइंडिंग प्रोटीन के साथ बाइंड करेगी और इस तरह से ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट की जाएगी टू द साइट ऑफ डिमांड। इसके साथ साथ हमारे पास एक और प्रोटीन होती है, दैट इज आर ए बी पी, रेटिनोइक एसिड बाइंडिंग प्रोटीन, जो कि रेटिनोइक एसिड फॉर्म ऑफ द विटामिन ए को ट्रांसपोर्ट करेगी। 95% ऑफ विटामिन ए जो है वो स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ ईस्टर, प्राइमरीली द पाल्मिटेट लीवर। उसके बाद ये रिलीज कर दिया जाता है प्लाज्मा में जब इसकी रिक्वायरमेंट होगी। अब हम पढ़ेंगे फंक्शंस का, कि फंक्शंस क्या क्या हैं। इसके बहुत इम्पॉर्टेंट और जो है ना वो मेजर फंक्शन है वो क्या है कि हमारे पास विजन में ये सबसे पहले काम करता है। विजन में हमारे पास एक साइकिल बनता है, इम्पॉर्टेंट है बहुत। इसकी सारी कहानी बस आपने उसकी समरी याद कर लेनी है, उसको इतना बड़ा याद करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास दो जो है ना वो रिसेप्टर सेल्स होते हैं, रॉड्स और कॉन्स के नाम से, जो कि आपकी विजुअल या विजन के इम्पल्सिस को जो है वो क्या करती हैं, रिसीव करती हैं। अब इन रॉड्स के अंदर हम बात करेंगे, जैसे रॉड्स काम करेंगे वैसे ही कॉन्स काम करेंगी, सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस उनकी इंटेंसिटी ऑफ लाइट के अंदर है कि रॉड्स जो होंगी वो डिम लाइट के अंदर काम करती हैं और जो कॉन्स हैं वो ब्राइट लाइट के अंदर। अच्छा जी, अब ये रॉड्स जो हैं इनके अंदर एक स्पेसिफिक प्रोटीन होती है, पिगमेंटेड प्रोटीन होती है या कॉन्जुगेटेड प्रोटीन होती है। प्रोटीन ऑप्सिन है, उसके साथ जो लगी हुई स्ट्रक्चर है वो है हमारे पास 11 सिस्ट रेटिनॉल, ठीक हो गया। ये मिलकर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम रोडोप्सिन बोलते हैं। ये रोडोप्सिन इन सेल्स के अंदर पड़ा हुआ है, रॉड सेल के अंदर। रॉड सेल के अंदर एक मॉलिक्यूल पड़ा हुआ है, दैट इज द रोडोप्सिन। ये रोडोप्सिन जो है वो एक कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है जिसका प्रोटीनियस पार्ट ऑप्सिन है, जबकि उसका नॉन प्रोटीनियस पार्ट जो है वो 11 सिस्ट रेटिनॉल है। ये अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसिस पड़ा हुआ है। अब जैसे ही कोई लाइट आएगी, लाइट के फॉल करने के बाद जो हमारे पास ये 11 सिस्ट रेटिनॉल है ये कन्वर्ट कर दिया जाएगा थ्रू अ सीरीज ऑफ आइसोमराइजेशन प्रोसेसेस इनटू 11 ट्रांस रेटिनॉल, ठीक है। अब जब नॉर्मल कंडीशन में पड़े हुए थे तो ऑप्सिन और ये रेटिनॉल जो थे दोनों इकट्ठे पड़े हुए थे, लाइट आई तो इसने इन दोनों को अलहदा कर दिया, ऑप्सिन अलहदा हो जाएगी और 11 सिस्ट रेटिनॉल अलहदा हो जाएगा, और ये 11 सिस्ट रेटिनॉल जो है वो सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन से गुजरने के बाद ऑल ट्रांस रेटिनॉल में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। लाइट के आने के बाद क्या हुआ कि ऑल ट्रांस रेटिनॉल बन गया और ऑप्सिन बन गया। अब जब ये दोनों चीज़ें बन गई तो ये इसने क्या किया, एक नर्व इम्पल्स को जनरेट किया। ये नर्व इम्पल्स जो थी वो ट्रांसमिट होगी
बाय द ऑप्टिक नर्व टू द ब्रेन, ब्रेन के विजुअल एरियाज के पास जाएगी मैसेज लेकर और वहाँ से फिर उसका मोटर रिस्पॉन्स आ जाएगा। ये थी कहानी इसकी। अभी साइकिल पूरा नहीं हुआ, अभी क्या हुआ कि सिर्फ और सिर्फ मैसेज ब्रेन तक गया और वहाँ से मोटर रिस्पॉन्स आया। अब क्या होगा कि पीछे जो नर्व इम्पल्स को जनरेट करने के लिए जो ऑप्सिन अलग हुई थी और 11 से रेटिनल जो है वो अलग हुए थे, कन्वर्ट हुए थे इनटू ऑल ट्रांस रेटिनल में, उनको दोबारा 11 से रेटिनल में कन्वर्ट होना है और अपनी रोडोप्सिन की फॉर्म या इनएक्टिव फॉर्म में जो है वो जाना है, या नॉर्मल कंडीशन में जो पड़ी हुई फॉर्म है उसमें जाना है। किस तरह से होगा कि या तो वो डायरेक्टली जो है वो ऑल ट्रांस रेटिनल जो है वो कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू द 11 सिस रेटिनल बाय द हेल्प ऑफ आइसोमराइजेशन, यानी आइसोमरेज एंजाइम के थ्रू वो वापस कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू 11 सिस रेटिनल, या एक और तरीका ये होता है कि हमारे पास ये जो ऑल ट्रांस रेटिनल है ये जो है वो कन्वर्ट होता है इनटू ऑल ट्रांस रेटिनॉल ओएल, ठीक है। वहाँ पर उसकी क्या होगी, स्टेरिफिकेशन होगी और वो आइसोमराइज होगा इनटू 11 सिस रेटिनॉल, ठीक है। ओल से दोबारा 11 सिस रेटिनॉल में जाएगा और 11 सिस रेटिनॉल जो है वो फिर बाइंड करेगा विद दैट ऑफ द ऑप्सिन प्रोटीन और फिर क्या बन जाएगी, रोडोप्सिन बन जाएगी जो कि लाइट से पहले का मॉलिक्यूल था। इस तरह से हमारे पास एक कंप्लीट साइकिल जो है वो बन जाएगा और सेम केस हमारा कॉन्स के सेल्स के साथ भी है। अगेन डिवाइस करने लगी हम साइकिल, क्या होता है कि हमारे पास आंख के अंदर दो पिगमेंटेड सेल्स होते हैं रॉड्स और कॉन्स के नाम से, वो क्या करते हैं विजुअल जो मैसेज है या स्टिमुलाई है उसको रिसीव करने के लिए स्पेशलाइज्ड हैं। अब स्पेशलाइज्ड हैं तो इट मींस दे हैव अ सर्टेन स्पेसिफिक मॉलिक्यूल इन देयर साइटोप्लाज्म फॉर दैट स्पेसिफिसिटी। अब वो कौन सा है, रोडोप्सिन है। रोडोप्सिन जो है वो दो चीज़ों पे जो है वो कंसिस्ट किए हुए होता है, एक प्रोटीनियस पार्ट दैट इज़ द ऑप्सिन और एक नॉन प्रोटीनियस पार्ट दैट इज़ द 11 सिस रेटिनॉल। लाइट जैसे ही इन सेल्स के ऊपर पड़ेगी ऑप्सिन अलग हो जाएगा, 11 सिस रेटिनॉल अलग हो जाएगा। ये 11 सिस रेटिनॉल जो है वो सीरीज ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शंस से पास करेगी और 11 ऑल ट्रांस रेटिनॉल बना देगी। अब ये जो ऑल ट्रांस रेटिनॉल के बनने का प्रोसेस है, ये इसकी आइसोमराइजेशन है, ये क्या करेगी नर्व इम्पल्स को जनरेट करेगी। वो नर्व इम्पल्स जो है वो ऑप्टिक नर्व के थ्रू हायर सेंटर या विजुअल सेंटर ऑफ द ब्रेन में जाएगी, वहाँ पे उसको इंटरप्रेट किया जाएगा और मोटर रिस्पॉन्स आया जाएगा। अब क्या है कि जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्स और उसकी ट्रांसमिशन के लिए तो ये प्रोसेस हो गया, अब वापस इसको रोडोप्सिन में कन्वर्ट होना है। एक तो प्रोसेस यही होगा कि आइसोमराइजेशन के थ्रू ऑल ट्रांस रेटिनॉल जो है वो 11 सिस रेटिनॉल के अंदर चली जाएगी, और एक प्रोसेस ये है कि हमारे पास ये जो ऑल ये जो हमारे पास ऑल ट्रांस रेटिनॉल है ये कन्वर्ट होगा इनटू द रेटिनॉल, और फिर ये ऑल ट्रांस रेटिनॉल जो होगा वो कन्वर्ट होगा इनटू 11 11 सिस रेटिनॉल से 11 सिस रेटिनॉल के अंदर जाएगा, और इस तरह से ये 11 सिस रेटिनॉल जो है वो किसमें किसके साथ बाइंड हो जाएगा, ये वो वाला है जो हमने शुरू में जो है वो बाइंड किया था विद दैट ऑफ द ऑप्सिन प्रोटीन। अब हमारे पास ये 11 सिस रेटिनॉल बन गया, ये ऑप्सिन के साथ बाइंड करेगा और हमारे पास रोडोप्सिन बन जाएगी, और इस तरह से हमारा एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। ये हमारे पास पूरा साइकिल है, आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ये सारा उसने बताया कि किस तरह से लीवर के अंदर एब्जॉर्ब होगा, लीवर के अंदर स्टोर होगा और किस तरह से जो है वो जाएगा। द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन इज इन रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के अंदर जो जर्मिनल एपिथीलियम है उसकी प्रोडक्शन के अंदर ये कंसीडर किया जाता है कि विटामिन ए जो है वो इन्वॉल्व है। एक एक्सपेरिमेंट किया गया मेल रैट्स और फीमेल रैट्स के ऊपर, और उसका इफेक्ट देखा गया डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए के मेल पे क्या इफेक्ट हुआ उसका और फीमेल पे क्या इफेक्ट हुआ। तो उसमें उसने सिर्फ जनरल बातें बताई हुई हैं कि किस तरह से जो है वो मेल के अंदर जो था वो इनफर्टिलिटी प्रोड्यूस हुई थी, और जो फीमेल के केस में नॉर्मल साइकिल जो था वो तो हो रहा था, लेकिन फीमेल रैट वॉज अनेबल टू कैरी द प्रेगनेंसी टू द फुल टर्म, ठीक है। द नेक्स्ट इज एपिथिलाइजेशन।
कि हमारे पास जो एपिथेलियल स्ट्रक्चर्स हैं स्किन के और म्यूकस मेम्ब्रेन के, उसके अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चरल चेंजेस आ जाते हैं विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से। किस तरह से कि स्किन जो है, अगर स्किन के अंदर अगर विटामिन डेफिशिएंसी ए आएगी तो फिर स्किन ड्राई हो जाएगी, स्केली हो जाएगी और रफ़ हो जाएगी, और इसको हम कैरेटिनाइजेशन बोलते हैं, यानी कैरेटिनाइज्ड स्किन हो जाएगी विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से। सेम केस विद द लैक्रिमल ग्लैंड के, अगर डेफिशिएंसी हो जाएगी विटामिन ए की तो कंजक्टिवा की ड्राइनेस हो जाएगी और कॉर्निया की ड्राइनेस हो जाएगी, दैट विल लीड टू अ कंडीशन नोन एज ज़ेरोफ्थैलेमिया। ठीक है, ये दोनों आई के स्ट्रक्चर हैं, कंजक्टिवा और कॉर्निया। कॉर्निया के अंदर हमारे पास एक ओपेक स्पॉट्स बन जाते हैं, उन ओपेक स्पॉट्स को डॉट्स बन जाते हैं, उसको हम बिटॉट्स स्पॉट्स बोलते हैं। ठीक है, वो हमारे पास किसकी वजह से आते हैं, विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से प्रोड्यूस होते हैं। रेस्पिरेटरी ट्रैक की अगर हम बात करें तो अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो टू द रेस्पिरेटरी ट्रैक के एपिथेलियम के अंदर तो वहाँ पे भी इसी तरह से कैरेटिनाइजेशन हो जाएगी और वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज्ड ससेप्टेबिलिटी हो जाएगी टू द इन्फेक्शन एंड लोअर्ड रेजिस्टेंस टू डिजीज, यानी वहाँ पे इजीली चांसेस होंगे कि वो जो भी आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो इन्वेड करे और वहाँ पे डिजीज कॉज कर सके। यूटीआई यूरिनरी ट्रैक की अगर आप बात करोगे तो यूरिनरी ट्रैक के अंदर जो कैरेटिनाइजेशन है वो क्या करेगी, लीड करेगी टू कैल्क्यूलाई फॉर्मेशन, यानी स्टोन कैलस फॉर्मेशन। टीथ और बोन फॉर्मेशन के अंदर हमारे पास रोल प्ले करती है, अभी तक हमने देखा कि हमारे पास विजन में करती है, रिप्रोडक्शन में देखा हमने, एपिथेलियल टिश्यूज के अंदर देखा, बोन और टीथ के अंदर भी काम करेगी, ग्रोथ के अंदर भी काम करेगी और मेटाबॉलिज्म के अंदर भी विटामिन ए का जो है वो एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। टीथ और बोन की अगर हम बात करें तो जो बोन है वो जो ट्रैबेक्यूलर बोन है जिसके अंदर प्रॉपर ट्रैबेक्यूलाई बनते हैं, वो उसकी फॉर्मेशन जो है वो डिपेंड करती है विटामिन ए के ऊपर, या विटामिन ए जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है उस फॉर्मेशन के अंदर, ट्रैबेक्यूलर बोन के फॉर्मेशन के अंदर। अब डेफिशिएंसी होगी तो डेफिशिएंसी रिजल्ट्स इन द एंडोकॉन्ड्रियल बोन फॉर्मेशन, डिक्रीज्ड ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी एंड बोन बिकम्स कैंसिलियस लूजिंग देयर फाइन स्ट्रक्चरल डिटेल्स एंड द मैकेनिकल डैमेज टू द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड ड्यू टू अरेस्टेड लिमिट ऑफ द बोनी फ्रेमवर्क एंड द क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम इन विच इट हैज़ टू ग्रो। यानी जो बात कही है उसने ये कही है कि हमारे पास अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो जो हमारे पास प्रॉपर बोन ने बनना होता है वो बनेगी नहीं और कैंसिलियस बोन बन जाएगी, सॉफ्ट बोन बन जाएगी। उस सॉफ्ट बोन के बनने की वजह से जो मैकेनिकल डैमेज है, जो वो एक मैकेनिकल रेजिस्टेंस प्रोवाइड करी होती है ट्रैबेक्यूलर बोन, वो लॉस हो जाएगा और उसकी लॉस की वजह से जो क्या कहते हैं, जो सॉफ्ट स्ट्रक्चर ने ग्रो करना था विद इन दैट बोनी फ्रेमवर्क, अब जब बोनी फ्रेमवर्क लिमिट हो गया तो उस बोनी स्ट्रक्चर की भी, सॉफ्ट टिश्यू की भी जो है वो क्या हो जाएगी, अरेस्ट हो जाएगी ग्रोथ। सेम केस विद द टीथ के, हमारे पास टीथ के ऊपर एक एनामल कोटिंग लगी हुई होती है, वो विटामिन ए की डेफिशिएंसी में थिन होना शुरू हो जाएगी और उसकी वजह से जो है वो हेल्दी टीथ नहीं बनेंगे। ग्रोथ के अंदर क्या है कि हमारे पास इन्वॉल्व होती है, ग्रोथ के अंदर विटामिन ए जो है वो इन्वॉल्व होता है सेल डिफरेंशिएशन और सेल डिवीजन के प्रोसेस में। जब विटामिन ए नहीं होगा तो सेल डिफरेंशिएशन प्रॉपर नहीं होगी और सेल डिवीजन नहीं होगी, और जब ये दोनों चीज़ें नहीं होंगी तो ग्रोथ जो होगी वो रिटार्डेड हो जाएगी या कॉम्प्रोमाइज होगी। मेटाबॉलिज्म के केस में देखें तो हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं और डीएनए के मेटाबॉलिज्म में इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले करते हैं। ये तो हमारा विटामिन ए के फंक्शन इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से डिजीजेस कॉज कर सकती है इसकी डेफिशिएंसी और किन किन प्रोसेसेस में जो है वो इंपॉर्टेंट अपना फंक्शन प्ले कर रहा है विटामिन ए। ये तो हमारा विटामिन ए का, बाकी इंशाल्लाह हम कमिंग लेक्चर्स के अंदर पढ़ लेंगे, जो नहीं समझ आएगा वो मुझसे पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।